स्वयं वी एडल इत एयरपोर्ट रकुद अदे विधा यह सिकींद्राबाद रैलवे स्टेशन भूमि पूज चयानी मन हैदराबाद नीचे यादाद्रि वरकू 350 तो MMTS नूतन रैल चेयर कोसम प्रधानमंत्री गार मंजूर चैनी सदर्भंग मन हैदराबाद नीचे वरंगल वरकू మొట్టమొదటి సిమెంట్ రోడ్డు నేషనల్ హైవే 1900 కోట్ల రూపాయల తోటి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము మంజూరు చేసింది. ఈ రోజు మనకు తెలుసు ఈ యొక్క వరంగల్ నడిబొడ్డున 150 ఎకరాలలో ఈ రోజు రైల్వే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఈ రోజు రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వస్తుంది. ఇందులో రోజుకు 7 వ్యాగన్ల చొప్పున నెలకు 200 వ్యాగన్ల చొప్పున సంవత్సరానికి 2400 వ్యాగన్ల చొప్పున ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సామర్థ్యంతో ఈ యొక్క రైల్వే ఉత్పత్తి పరిశ్రమను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇంత పెద్ద మనిషితో భవిష్యత్తులో ఈ రైల్వే కావాల్సినటువంటి అన్ని అవసరాలు కూడా ఈ యొక్క వ్యాగన్ మ్యాన్ తర్వాత అవసరమైతే ఇతర అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్ లో 500 కోట్ల పైచిలకు ఈ పరిశ్రమకు పెట్టుబడి పెడతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది 3000 మంది ఉద్యోగాలు వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క రైల్వే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లో తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలకు వరంగల్ జిల్లాకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ మరొకసారి నేను మనందరి తరఫున గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి మిగతా అతిథులందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Thank you very much. I now request Shri Nitin Gadkari ji, Minister for Road Transport and Highways, Government of India, to address the gathering. Paramadarniya Pradhan Mantri ji, Paramadarniya Rajyapal Mahoday ji, Cabinet mein mere sahyogi Kishan Reddy ji, Adarniya Bandi Sanjay ji. और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस 9 साल की विशेषता रही है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है. गतिशक्ति योजना के द्वारा अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन भी प्रस्तापित हुआ है. यह हाईवे बनाते समय विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, जो 500 ब्लॉक्स जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके विकास में ये रोड कैसे उपयोगी होंगे इसका भी विचार किया गया है. मुझे बहुत खुशी है कि तेलंगाना में अभी तक 1,10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कुछ कम्प्लीट हुए, कुछ ऑन गोइंग है, कुछ शुरू हुए हैं. पर विश्वास है मुझे कि 2024 समाप्त होने के पहले हम तेलंगाना में 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और तेलंगाना का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे. केवल नेशनल हाईवे का काम हो रहा ऐसा नहीं है. तो नागपुर से विजयवाड़ा जिसमें आज पैकेज का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये 594 किलोमीटर है. इसकी कीमत 16,000 करोड़ है और तेलंगाना में इसकी लेंथ 401 किलोमीटर है. इस हाईवे से स्वाभाविक रूप से काफी बड़े प्रमाण पर यहाँ विकास होगा. विशेष रूप से यह हाईवे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजर रहा है और 288 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो ब्राउन फील्ड है, यानी ग्रीन है, पहले यहाँ रोड नहीं है. और इसके कारण हम लोग डिस्टेंस को भी कम करने जा रहे हैं. नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का 402 किलोमीटर तेलंगाना राज्य से गुजर रहा है और ये महाराष्ट्र के जियोगांव से तेलंगाना राज्य सीमा तक प्रवेश करता है. तेलंगाना राज्य में आसिफाबाद, मंचेरियल, पेदपल्ले, जयशंकर, भूपालपल्ली, हनुमाकोंडा, वारंगल, खम्मम इस जिले से गुजरता है और विजयवाड़ा के पास मिलता है. सिंगरेली थर्मल प्लांट, NTPC, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, खम्मम, वारंगल उद्योग, धार्मिक और पर्यटन स्थल, इसमें विशेष रूप से इसका उपयोग होने वाला है. मुझे बहुत खुशी है कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, लॉजिस्टिक पार्क है,
पोर्ट के लिए माल भेजना है उसके कारण निश्चित रूप से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी इससे काफी सुविधा प्राप्त होगी। विशेष रूप से तेलंगाना में हम एक सूरत नासिक नगर सोलापुर करनाल और हैदराबाद चेन्नई तक एक नया रोड बना रहे हैं। हम अक्सर भाषण में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते थे, पर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में वहाँ हमारी मनाली जो है वहाँ रोहतांग पास पर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब वहाँ अटल टनल बनी है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, केवल 8 मिनट में सफर हो जाती है। और उस टनल से बहार आने के बाद हम करीब 5 टनल बना रहे हैं और हिमालय के बीच में से नया रोड बना रहे लद्दाख और लेह तक। लद्दाख और लेह के बाद कारगिल के नीचे एक झोजिला एक बहुत काफी बड़ी टनल बना रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी। और मुझे खुशी है कि इस टनल में एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ कम हुए, उसकी बचत करने का काम हमारे विभाग ने किया है। उसके बाद झेड़मोर टनल है और वहां से श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर और जम्मू के बीच में 18 टनल है, उसमें से 14 टनल पूरी हुई है। और उसी कटरा के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को लगकर हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे को लगकर हम सूरत तक आएंगे और सूरत से एक नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से हैदराबाद, कर्नूल से विजयवाड़ा, कर्नूल से चेन्नई, कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और उसके साथ साथ कोचीन तक हम पूरे दक्षिण को जोड़ने वाले हैं। यानी एक प्रकार से मनाली से शुरू करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे होगा, जिसके कारण दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। हैदराबाद से विशाखापट्टनम 221 किलोमीटर 7,000 करोड़ का रोड हम बना रहे, जो तेलंगाना में 164 किलोमीटर है। इंदौर से हैदराबाद ये नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे ग्रीनफील्ड, वो 787 किलोमीटर है, 18,000 करोड़ का। और उसके साथ साथ हैदराबाद रायपुर ये 325 किलोमीटर 14,000 करोड़ का है। मुझे खुशी है कि ये पूरे हाईवे करीब 1,00,000 करोड़ के हैं, इसकी लेंथ 843 किलोमीटर है और तेलंगाना में इसकी कॉस्ट 30,000 करोड़ है। मुझे विश्वास है कि हाईवे नेटवर्क खड़ा होने से उद्योग व्यापार को बढ़त मिलेगी। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन ऑफ कैनेडी जी के प्रसिद्ध वाक्य को दोहराते रहता हूँ। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो यहाँ के माइनिंग इंडस्ट्री को, ट्रेड बिजनेस को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और विशेष रूप से जो डेवलपमेंट की छोटी छोटी सेंटर्स है उनको जोड़कर हम निश्चित रूप से रोजगार का निर्माण करेंगे। इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, जवान लोगों को रोजगार मिलेगा और जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये निश्चित रूप से ये सपना अमृत काल में पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने यही हमें बताया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके प्रयासों से इस देश को निर्माण करना है। हमने सभी राज्यों के साथ न्याय करते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डेवलप करने की कोशिश की है और उसी से देश के विकास में 4 चांद तो लगेंगे ही, पर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं अपने विभाग की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे और 9 पैकेजेस है जो नागपुर से विजयवाड़ा तक जाने वाले हैं। इसी प्रकार से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन तेलंगाना में होगा और तेलंगाना का विकास में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा डिपार्टमेंट अच्छे रोड तेलंगाना के जनता को निश्चित रूप से बना कर देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। वी नाउ मूव ऑन टू द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ द डे, अनवीलिंग ऑफ द प्लग एंड लेइंग द फाउंडेशन स्टोन। NH 563 करीमनगर टू वरंगल सेक्शन लो మానకొండూర్ బైపాస్ నుంచి పల్లివెల్లు వరకు 4 వరుసల జాతీయ రహదారి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు గౌరవ ప్రధానమంత్రి. 68 కిలోమీటర్ల పొడుగు మరియు 2,147 కోట్ల వ్యయం,
अलागे NH-163G मंचिर्याल वरंगल विभागों नालुगु वरसला एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड जातीय रहदारी निर्माणों पोडुगु 108 किलोमीटर्लु 3441 కోట్ల व्ययों अलागे इंडियन रेलवेज इज इन द मिडस्ट ऑफ अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज aim to make it the most modern, reliable and safe rail system. Taking cue from the call for Atmanirbhar Bharat from the Honorable Prime Minister, priority has been accorded to massively strengthen infrastructure, utilizing the inherent capabilities of the organization, both in terms of technology and manpower resources. अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री बटन दबाकर इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट का अनावरण करें. Very much. Can we have the AV, please? It is a firm belief of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji that for Vikasit Bharat, modern infrastructure is pivotal. Under his dynamic leadership, the country has seen an unprecedented transformation in infrastructure landscape of the country in the last 9 years. केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई दोगुनी हो चुकी है. साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे. आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई. तेलंगाना इज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹34,000 crore हैव बीन कंप्लीटेड और आर इन एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन इन तेलंगाना. टुडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज लेइंग द फाउंडेशन stone for 2 national highway projects worth ₹5,600 crore. Four laning of Karim Nagar Warangal section of NH-563 will ensure improved connectivity with Hyderabad Warangal Industrial Corridor, Kakatiya Mega Textile Park and SEZ at Warangal. Construction of 4-lane access controlled greenfield highway from Mancherial to Warangal on NH-163 will improve connectivity to 21 economic nodes under PM Gati Shakti National Master Plan, thus benefiting several regions in Telangana. These projects will give a new energy to socio-economic development of Telangana and would be a significant step towards realizing Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. Planning, time-bound execution and consolidated effort has been the hallmark of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's Gati Shakti Master Plan, which has resulted in unprecedented infrastructure development and changed the economic landscape of the country. Railway budget mein lagbhag 17 guna ki vruddhi ki gayi Telangana mein bite 9 varshon mein. इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, रिकॉर्ड तेजी से हुआ है. Today, our Honorable Prime Minister is laying the foundation stone for new railway manufacturing unit at Ghazipet, costing over ₹520 crore. Central government, under the leadership of our Honorable Prime Minister, has taken a decision to upgrade the POH wagon workshop to manufacturing unit at Ghazipet.
The new manufacturing unit will have state-of-the-art facilities to manufacture over 2,400 wagons. This unit will be spread over 160 acres and have facilities like shell assembly shop, body shop, wheel shop, bogie shop, CBC shop, sheet metal shop, paint shop, shower test and store ward, among others. The unit has been designed to ensure faster turnover of the wagons in the shortest possible time. The wagons manufactured in the state will now spur the growth momentum of Indian economy. Unit at Ghazipet will spur an ecosystem of new industrial development by promoting ancillary industries, which in turn will generate employment and give boost to the socio-economic development of Telangana. Thank you very much, sir. భారతదేశాన్ని మహోన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పం, సమస్త విశ్వాన్ని ఒక్కతాటిపై తీసుకురావాలని వసుదైవ కుటుంబకం అనే నినాదం ప్రతిబింబిస్తూ నిస్వార్థమైన వ్యక్తిత్వం ఆయనకి పెట్టింది పేరు. మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీజీ, భారతదేశాన్ని మహోన్నతంగా తీర్చిదిద్దేటందుకు మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారి మార్గనిర్దేశం ఓ గొప్ప పరిణామానికి దారితీస్తూ యావత్ ప్రపంచం దేశాలంతా భారత్ వైపు చూస్తూ ఒక స్నేహ సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. అత్యున్నత ప్రజాస్వామ్య దేశంగా స్వావలంబన వైపు పరుగులు పెడుతూ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్గా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇది సాధ్యపడటానికి కారణం సర్వోన్నతమైన నాయకత్వం, దూరదృష్టితో ఉన్న మన నేత, వరల్డ్స్ మోస్ట్ పాపులర్ లీడర్స్ మన ప్రియతమ ప్రధాని గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు అమూల్య సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాము. అభీ హమ్ అనురోధ్ కర్తే హే హమారే ప్రియతి యశస్వీ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ జీ इस पावन अवसर पर हमें संबोधित करें. तेलंगाना प्रजलंदरी की ना अभिनंदनलु. तेलंगाना की गवर्नर तमिल साई सौंदर राजन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी नितिन गडकरी जी, जी किशन रेड्डी जी, भाई संजय जी, अन्य महानुभाव और तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों, हाल ही में तेलंगाना ने अपनी स्थापना के 9 वर्ष पूरे किए हैं. तेलंगाना राज्य भले ही नया हो, लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन, यहां के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बड़ा रहा है. तेलुगु लोगों के सामर्थ्य ने हमेशा भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया है. इसलिए आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना है, तो उसमें भी तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है. और ऐसे में आज जब पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है, विकसित भारत को लेकर इतना उत्साह है, तब तेलंगाना के सामने अवसर ही अवसर है. साथियों, आज का नया भारत युवा भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है. 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है. हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है. देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए. इन्हीं संभावनाओं को बल देने के लिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर, यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है. इसी कड़ी में
आज तेलंगाना की कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, नए लक्ष्य हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। भारत का तेज विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। आने जाने में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लॉजिस्टिक्स अगर महंगा होगा तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है। आज पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जाल बिछा रहा है। टू लेन के हाईवे 4 लेन में और 4 लेन के हाईवे 6 लेन में बदले जा रहे हैं। 9 साल पहले जहां तेलंगाना का नेशनल हाईवे नेटवर्क 2500 किलोमीटर का था, आज ये बढ़कर 5000 किलोमीटर हो चुका है। आज तेलंगाना में 2500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माण के अलग अलग फेजेस में है। भारतमाला परियोजना के तहत जो दर्जनों कॉरिडोर देश में बन रहे हैं, उनमें से अनेक तेलंगाना से होकर के गुजरते हैं। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटर कॉरिडोर, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस के इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों का हब बन रहा है। साथियों, आज नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्शन का भी शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है। इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्याएं भी कमी आएगी। ये विशेष रूप से उन एरिया से गुजरता है जहां विकास का अभाव था, जहां हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं। ये कॉरिडोर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा। करीमनगर वारंगल सेक्शन के 4 लेन में बदलने से हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और वारंगल एसईजेड की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। साथियों, भारत सरकार आज तेलंगाना में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, उसका लाभ तेलंगाना के इंडस्ट्री को हो रहा है, यहाँ के टूरिज्म को हो रहा है। तेलंगाना में जो अनेक हेरिटेज सेंटर्स है, आस्था के स्थान है, वहां आना जाना बहुत अधिक सुविधाजनक हो रहा है। यहाँ जो एग्रीकल्चर से जुड़े उद्योग है, करीमनगर की ग्रेनाइट इंडस्ट्री है, उसे भी भारत सरकार के इन प्रयासों से मदद मिल रही है। यानी किसान हो या फिर श्रमिक, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, सभी को इसका लाभ हो रहा है। इससे युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार के स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। साथियों, युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है, मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना शुरू की है। यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। इसके तहत 50 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगाना में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 900 वर्ष पहले 1000 करोड़ से भी कम था, आज ये 16000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसका लाभ हैदराबाद स्थित भारत
डायनेमिक्स लिमिटेड को भी हो रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहां हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे, इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे, यहां के हर परिवार को किसी ना किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। विकास के इस मंत्र पर तेलंगाना को हमें आगे बढ़ाना है। एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रगतिशील कार्यक्रमों के लिए, आयोजनों के लिए, विकास की नई धारा के लिए मैं बहुत बहुत